गाइस अभी मुझे कुछ वैसे पसंद आया है, वो बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, देखते हैं पता नहीं मैं लेने वाली हूं या नहीं। फिर ठीक है, और नीचे हील के अकॉर्डिंग जैसे पहने। इसको बस दुपट्टा चाहिए ईद के शॉपिंग में। तेरे औकात से बाहर है, देख पीछे फिक्स्ड प्राइस लिखा है। तो पसंद आ रहा है ये, कुछ सुनाना है देख किस 2021 में ये लेने वाली है, मेरी ईद की बस ये है। एकदम से मैंने पता नहीं क्या कहा, मेरे दांतों से पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा ब्लड आने लग गया। पता नहीं आज के मेरा मन कर रहा मैं घर चली जाऊं शॉपिंग अपनी सब कुछ छोड़ दूं, मुझे कुछ भी नहीं मिला अभी तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारे ईद शॉपिंग का डे 2। चलो चलते हैं बाहर, देखते हैं हमें कुछ मिलता है नहीं मिलता। मैं सोच ही रखा था कि मैं जब निकलूंगी ना तभी शुरू करेंगे अपना व्लॉग। मीशो से मंगा लिया है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। झूठ बोल रही है, अपना आउटफिट तो ले लिया है। अब मैं निकल रही हूँ घर से, रोजे इफ्तार का टाइम होने वाला है, हम फिर भी निकल रहे हैं। चलो गेट लगाओ। मिन्सी ऐसे छुप कर देख रही है वहां पे बैठ कर। हम निकले घर से और ये विंडो पे ना किसी चिड़िया ने पार्टी कर दी थी। नहीं, इसके लिए कर दी थी तो फिर ये ना देखकर बोल रही थी कि मेरी साइड किया, वाओ बहुत खुश हो रही थी। मैंने बोला नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो पता नहीं कौन ही हो रहा था। तो चलो हम लोग निकल चुके हैं, अब देखते हैं हम लोग कितने टाइम तक पहुंचते हैं। पर हम लोग सही टाइम पे निकले हैं क्योंकि उस टाइम पे पहले ट्रैफिक होता है, लेकिन अभी भी होगा ही वैसे भी। अब हमें मुझे नहीं पता कितनी देर पहुंचने वाले, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगी कितनी देर में हम पहुंचते हैं और कहाँ हम जा रहे हैं। पहले हम वहाँ पहुँच जाते हैं फिर। और आज का मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, ये देखना हमें कितना अच्छा आ रहा है। मैं आ चुकी हूँ लाजपत नगर और अब हमें यहाँ पर करनी है अपनी शॉपिंग। मैं आई हूँ पता है किस टाइम पे, क्या टाइम हो रहा है अभी? 6:30 पे हम पहुंचे हैं और मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा आपको टाइम। भाई इतना टाइम लग गया यार, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे पहले गाइस अभी तक रोजा नहीं खुला है और अभी हमें टाइम लगेगा रोजा खुलने में, थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है। पीछे सब्सक्राइबर्स की गई है, बिल्कुल एक्साइटेड है। हम लोग रुक रहे हैं किसी किसी शॉप पर और देख रहे हैं कि हमें कुछ पसंद आए। तो गाइस ये ऑरेंज वाला मुझे बोल रही है ये लेने के लिए। गाइस हम लोग मार्केट में देख रहे हैं कि कोई डिजाइन पसंद आ जाए हम लोगों को। रोजा खुल चुका है और हम लोगों ने अभी तक सिर्फ पानी पिया है, अब हमें भूख लग रही है तो हम कुछ खाएंगे। अभी देखते हैं क्या खाने को मिलता है। लग रहा है इधर पे अभी कुछ है नहीं वैसे खाने के लिए। गाइस मैं एक राज की बात बताऊं आपको, इसको कंटेंट यूट्यूब में अपने व्लॉग में बोलूंगी। मैं तो बस यहाँ पे ऐसे टाइम पास करने आई हूँ, मेरी तो ईद की शॉपिंग हो गई है। मुझे तो पता ही, और मैंने पहले बताया ही था कि पूरी ईद की शॉपिंग हो चुकी है, हमारी नहीं हुई है तो ये बस ऐसे साथ देने की आई है। बहुत भूख लगी है भाई, अब मैं वेट नहीं करूंगी, अभी ले लेंगे। अब चलो पहले खा लो। ऑनलाइन भी शॉपिंग साथ ही साथ हो रही है और साथ ही साथ ऑफलाइन भी शॉपिंग हो रही है। वाह, मैं तब से आगे चल रही हूँ और ये अम्मी का फोन मेरे हाथ में है। कितना स्लो ये लोग बात करते हुए आ रहे हैं और मैं आप लोगों से बात करते करते आगे भाग रही हूँ। तो 2021 की कलेक्शन यहाँ पे रखी हुई है। चलो 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 बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैं जा रही हूँ यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है नहीं। से कुछ नहीं लिया लेकिन मैंने एक चीज ली जो कि है ये वाटर बॉटल, वो भी मैंने देखो कहाँ पे रखा है अपने जीन्स के इधर बिल्कुल नीचे। गाइस अब हम आए हैं दुपट्टे लेने के लिए जो कि मुझे नहीं लेने, अम्मी को लेने के दुपट्टे। इसको बस दुपट्टा चाहिए ईद के शॉपिंग में, ओनली दुपट्टा। नहीं यार, तेरे औकात से बाहर है, देख पीछे फिक्स्ड प्राइस लिखा है। ये देखो कौन सा कलर अच्छा लगा है, गुलाबी कमेंट करके तो फिर मैं वो ही ले लूंगी। अच्छा अच्छा, ये देखो सारे कैसे भैया बेल में 100 मम्मी मुन्ना 160 कहीं भी घुस जाती है शॉपिंग करने के लिए, इसको जहाँ कुछ देखे वहाँ निकल जाती है। और मैं यहीं पर खड़ी और ये देखो दूर में पता नहीं कहाँ चली गई है। गाइस पता नहीं मेरे हाथ पे भी कैसे लग गई है ये। गाइस अभी मुझे कुछ वैसे पसंद आया है, वो बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, देखते हैं पता नहीं मैं लेने वाली हूं या नहीं, अभी तो पता चल ही जाएगा। अभी हम और ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये देखो यहाँ पर एक बहुत प्यारा पीस पसंद आया मुझे, फिर ठीक है। और नीचे हील के अकॉर्डिंग जैसे पहनेंगे ना वो साइज ले लेंगे हम आपको।
तभी मैंने ट्राई भी करके देखा था एक जगह पर और मुझे पसंद भी आया था, पर वो उसमें कुछ ऐसी कमी वमी निकल रही थी ना कि फिर हमने नहीं लिया। फिटिंग में प्रॉब्लम है, मतलब ये था कि वो थोड़ा ज्यादा लॉन्ग था, उसको हमें फिटिंग करवानी थी। उसके बाद मुझे ये था डर कि वो सही करके देंगे या नहीं देंगे, मतलब वो कह रहे हैं कि दे देंगे, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। बहुत ही महंगा था और ऊपर से डिजाइन वैसा आया था, बेकार। फिर वही मुझे इस बात का डर हो गया कि भाई मैं इतना पसंद करके ले भी रही हूँ, फिर एंड में मुझे वो जो बनकर पीस आएगा वो अच्छा आएगा या नहीं आएगा, फिर मैंने छोड़ दिया। हम मुझे चक्कर आ रहे बहुत ज्यादा भूख से, क्योंकि मैं टाइम कितना हो रहा है पता है, 8:30 पता नहीं, दूसरी जगह लग रही है आज। हम लोग दूसरी तरफ ही आ गए, शायद उधर से सीधा जाना पड़ेगा। जो हम खा रहे हैं यहाँ पर से कुछ मोमोज और फिर यहाँ पे हमने ये पापड़ लिए हैं, बहुत भूख लगी है, देखते हैं अभी क्या खाते हो। एकदम से मैंने पता नहीं खा था, मेरे दांतों से पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा ब्लड आने लग गया, पता नहीं आज के मुझे क्या हो गया, कुछ मुझे चेकअप करवाना पड़ेगा अपना, क्योंकि कुछ ही पता नहीं क्या गलत सा हो रहा है और मुझे दर्द भी होने लग गया, पता नहीं क्यों। देखते हैं पता नहीं कैसे सही हो, क्योंकि ना मैं देख रही हूँ डेली पता नहीं कुछ हो रहा है मुझे दांतों में। गाइस ये मोमोज आ चुके हैं, चलो खा लेते हैं जल्दी से इसको, और ये कोल्ड कॉफी लेकर आई है अपने लिए। गाइज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत बहुत ज्यादा, इतना कि मेरा सब चला ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। मेरा मन कर रहा मैं घर चली जाऊँ, शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ छोड़ दूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला अभी तक। यहाँ पे सैम्स कॉफी मिले थे मेरे बहुत सारे, तो मैंने आपको शायद दिखाया भी होगा या शायद नहीं दिखाऊंगा, मेरा ना बस नहीं हो पा रहा, मुझसे अब घर जाने का मन कर रहा है बिल्कुल। तो मैं 5 बजे से निकली हुई हूँ, अभी 8:30 होने वाले हैं, तमरीन अब जाने वाली है। ऊपर आ चुके हैं, ऊपर आ चुके हैं, ये नहीं है। हम आ गए थे गलत फ्लोर पे, और ये जगह मैं लास्ट ईयर भी आई थी अपनी, जो लास्ट मैंने ईद की अपनी शॉपिंग की थी ना, लास्ट वाली याद होगा आप लोगों को, आप लोगों ने मुझे इसी पर देखोगे ऐसे बैठी हुई थी ऐसे करके। ये क्या ये भी नहीं, थर्ड फ्लोर है शायद, मैंने यहाँ से भी कुछ भी नहीं लिया है इस बार, मुझे कुछ भी खास पसंद नहीं आया और मैंने नहीं लिया है, तो अभी पता नहीं है कि मैं कहाँ से कुछ भी लेने वाली हूँ अपना। अब मैं लेवल का थक गई हूँ कि अब नहीं देख पाऊंगी यहाँ से, मेरा लास्ट था, मैंने एंट्री करने टाइम बोला था कि अब लास्ट है यहाँ पे, आज का दिन तो गया मेरा, वेस्ट गया। पर अम्मी की शॉपिंग हो गई थी आज, मतलब फर्स्ट डे वाली, चलो कुछ तो हुआ यहाँ पर से। 5 घंटे में इसमें हमने खाया भी नहीं है कुछ सही से, मतलब बाहर ही खाया था, वो चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम कब से चल ही रहे बैठे नहीं है, अभी मैं बैठी हूँ मुझे जगह, अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे थोड़ी देर की, तो चलो अब देखते हैं चलते हैं यहाँ से घर। और अम्मी का जो आउटफिट है वो भी आपको तभी देखने को मिलेगा ईद के टाइम पे ही, अब तो ईद में वैसे भी कम टाइम बचा है क्योंकि हम वो तभी रिवील करेंगे, बस मेरा ही बचा है सिर्फ जो मैंने नहीं लिया है। ये तो हमने खा लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं घर, और हमारी कार आ चुकी है, ने कार पहले ही बुला ली थी कि इस जगह पर है, तो जल्दी से इनको बुला लिया था जगह पर आ जाने, क्योंकि अभी ट्रैफिक वैफिक नहीं है तो आराम से आ सकते हैं, तो हमें रोड क्रॉस करनी है। हम लोगों ने आपको सारी अपडेट तो मैंने आपको बाहर दे दी कि क्या मिला क्या नहीं मिला, अपने सारे दुख तो मैंने आपको बता ही दिए थे, मेरे दुख में साथ देने वाले मेरे हम सफर आप ही लोग हो, तो मैं इसलिए आप लोगों को ही बताती हूँ सारा कुछ, वरना और कोई तो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहता यार। मैं गाड़ी में ऐसे सोते हुए आई हूँ ना, बिल्कुल ऐसे सोते हुए कि मतलब मुझे लग रहा था कि लंबा रास्ता होता ना तो बस सो ही जाती, मैं सोकर आई हूँ अच्छा खासा, पर ऐसा लग रहा था कि उठू ही ना, मुझे लगा था मैं अपने रूम में आ गई हूँ, अभी मुझे इतनी ज्यादा प्यास लग रही है, अब मैं भर भर के पानी पीऊंगी आराम से, टेंशन नहीं लेनी है, कोई बात नहीं है, दूसरी बार जाएंगे सेकंड ट्राई करेंगे कल इंशाल्लाह, मैं देखती हूँ फिर से जाकर अपनी ड्रेस देखिए मिल जाएगा, मुझे कोई वो नहीं रहता यार, मुझे है के लिए जाएगा एंड में, अभी तक अभी मुझे और भी काम भी है क्योंकि मुझे शूट्स करने हैं, बहुत सारी चीजें सर पे है बिल्कुल मेरे, मतलब यहाँ पे, तो इसलिए काम बहुत सारा बाकी है, तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। मुझे इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करना होगा, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो, आपका इसी पर दिख रही होगी, तो अब मैं मिलूंगी आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।